हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में आपको तीन ऐसे घरेलू प्रयोगों के बारे में बताएंगे जो आईब्रो के गंजेपन को दूर कर उसे घना, आकर्षक और सुंदर बनाते हैं। दोस्तों, पहले प्रैक्टिकल नुस्खे में हम दूध का प्रयोग करेंगे और जानेंगे कि दूध किस तरह आईब्रो में घनत्व को बढ़ाता है और सौंदर्य को निखारता है। जबकि दूसरे उपाय में हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह मेथी का प्रयोग कर अपनी भौहों के गंजेपन को दूर कर उन्हें आकर्षक बना सकते हो। वहीं तीसरे प्रैक्टिकल में हम आपको आईब्रो को सुंदर व घना बनाने के लिए प्याज के रस व गुलाब जल के प्रयोग के बारे में बताएंगे। तो इन सब उपायों को प्रैक्टिकल कैसे करें और इनकी संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। लेकिन सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को सब्सक्राइब और उसके साथ में दिए बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको नुस्खों की प्रैक्टिकल जानकारी भी दी जाती है ताकि आप भी उन्हें अपनाकर प्रयोग में ला सको। आईब्रो को घना व सुंदर बनाने के घरेलू उपाय। असरदार फॉर्मूला है दूध। दूध में अनेक प्रोटीन और विटामिन मौजूद होते हैं जो बालों को जड़ से पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाते हैं, जिससे बालों का तेजी से विकास होता है। इसलिए दूध आईब्रो को बढ़ाने के लिए एक असरदार फॉर्मूला माना जाता है। दूध का प्रयोग आपको रात को सोने से पहले करना है तो आप एक छोटा सा टुकड़ा रुई का ले लें और फिर उसको दूध में डुबोकर इसको अपनी आईब्रो पर लगाएं। अगले दिन सुबह आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर लें। ये उपाय शीघ्र ही आईब्रो के गंजेपन को दूर कर उन्हें घना व आकर्षक बनाता है। मेथी के दाने। मेथी के दानों का प्रयोग बालों को चमकदार, घना व आकर्षक बनाने के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है। इसका प्रयोग भी बहुत सरल है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेथी को रात भर के लिए पानी में भिगो कर छोड़ देना है इस तरह से, और फिर अगले दिन सुबह आप इसमें से 2 चम्मच लेकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। इस तरह आप मेथी का पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आपको अपनी भौहों पर 5 से 10 मिनट के लिए लगाए रखना है। उसके बाद आप अपनी भौहों को ठंडे पानी से साफ कर लें। कुछ दिनों के बाद आपको अपनी आईब्रो में घनत्व फिर से नजर आने लगेगा। प्याज का रस। प्याज के रस का प्रयोग बालों की लंबाई को बढ़ाने, बालों को काला घना करने और त्वचा की शुष्कता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग करने के लिए आप थोड़ा सा प्याज का रस निकाल लें। प्याज का रस निकालने के लिए आप प्याज को छोटे टुकड़ों में कर लें और फिर उन्हें पीस कर एक कपड़े में छान लें। इस तरह से आपका प्याज का रस निकल जाएगा। उस प्याज के रस को आपको अपनी आईब्रो पर लगाना है। जब यह रस सूख जाए तो आप गुलाब जल लें और गुलाब जल की 2-4 बूंदों को रुई पर टपका लें। उस रुई से, यानी कि उस गुलाब जल वाली रुई से आपको अपनी आईब्रो को साफ करना है और फिर अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें। इस तरह भी कुछ ही दिनों में आपकी आईब्रो घनी होने लगती है और आकर्षक दिखने लगती है। अन्य उपाय। अपनी आईब्रो के घनत्व को बढ़ाने के लिए आप बादाम के तेल का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि बादाम के तेल में विटामिन ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो बालों के विकास में सहायक होती है। तो रात को सोने से पहले आप आईब्रो पर थोड़ा सा बादाम तेल लगाकर वह हल्की सी मसाज करके सोएं। बादाम के तेल के स्थान पर आप नारियल के तेल का भी प्रयोग कर सकती हैं। अगर आप घनी आईब्रो पाना चाहती हैं तो आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और उसको 15 मिनट के लिए अपनी आईब्रो पर लगाए रखना है। उसके बाद आप ताजे पानी से अपने चेहरे को साफ कर लें। ये उपाय आप सप्ताह में 2 बार अपनाएं, जल्दी आपको लाभ मिलेगा। बालों के विकास के लिए विटामिन ई के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी आवश्यकता होती है और इस तत्व का सबसे बेहतरीन स्रोत अलसी
वह एरंड के तेल को माना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रक्त संचार को नियंत्रित रखता है, तो आप अलसी के तेल या फिर एरंड के तेल से भी आईब्रो की मसाज करके अपनी आईब्रो को सुंदर, घना और आकर्षक बना सकते हो। दोस्तों, संसार की हर लड़की अपने सौंदर्य को बढ़ाने और खुद को आकर्षक दिखाने के लिए ना जाने कितने ही तरीके अपनाती हैं, क्योंकि हर लड़की यही चाहती है कि जो भी उन्हें देखे उसकी नज़रें उसी पर टिकी रह जाए। चेहरे को सुंदर दिखाने में आईब्रो का भी अहम रोल होता है, किंतु अनेक महिलाओं की आईब्रो या तो पतली होती हैं या हल्की होती हैं या फिर वे सही आकार में नहीं होती, जिससे चेहरा भद्दा दिखने लगता है। वहीं घनी आईब्रो चेहरे पर चार चांद लगाने का काम करती है। तो आप भी इस वीडियो में बताए उपायों को अपनाएं और अपनी आईब्रो के गंजेपन को दूर कर घना व आकर्षक बनाएं। साथ ही आप हमारे इस YouTube चैनल वनस्पति दर्शन और फायदे को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारी नई और स्वास्थ्यवर्धक हर वीडियो को पहुंचाया जा सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाकी सभी भाई बहन भी इस वीडियो को देखकर इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो फ्रेंड्स।